हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से दाल बनाने से यह यूरिक एसिड को बैलेंस करके रखेगी हमारे बॉडी में, क्योंकि हम गलत तरीके से दाल बनाते हैं और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से हर जोड़ जोड़ में दर्द होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे किस तरह से इसे बनानी चाहिए ताकि यूरिक एसिड मेंटेन हो। हमने यहाँ पर एक कटोरी दाल लिया है, जिसे अच्छी तरह से धोकर हम कुकर में डाल लेंगे, क्योंकि आजकल तो सभी कोई कुकर में बनाते हैं दाल, तो हम इसे भी कुकर में डाल लिए हैं। और इसमें हम डालेंगे अब 2 ग्लास पानी। ये 3 से 4 लोगों के लिए पर्याप्त दाल है। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो उसी हिसाब से मेजरमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें गैस पर रखकर इसे गैस को ऑन कर देंगे और इसमें उबाल आने तक के लिए हम इसे इंतज़ार करेंगे। तो अब देखिए, इसमें फ्रेंड्स उबाल आ चुके हैं और इसमें देखिए ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो झाग आ रहा है, इसे अब हमें निकाल देना है। पहले जब हमारी दादी और नानी खुले बर्तन में बनाती थी तो इसे गंदगी बोलकर निकाल देती थी, पर आजकल कुकर में बनाने की वजह से यह इसी में ही रह जाता है और यही जो झाग है वो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे बॉडी में पेन रहने लगता है। तो इसीलिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे ये झाग हैं इनको हम निकाल देंगे। झाग निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी थोड़ी सी और नमक स्वादानुसार। और हल्दी और नमक डालने के बाद में अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 3-4 सीटी आने तक के लिए हम वेट करेंगे। पहले दाल बनाने में खुले बर्तन में घंटों टाइम लगता था, पर आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना वक्त न होने के कारण हम कुकर में ही दाल बनाते हैं। पर अगर थोड़ी सावधानी बरते तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा। तो इसीलिए हम इस तरह से दाल बनाएंगे और अब देखते हैं इसमें छौंक कैसे लगाएंगे। तो 3-4 सीटी आ चुकी है, थोड़ा वक्त भी हो चुका है, कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा डालेंगे देसी घी और थोड़ा सा इसे गर्म होने देंगे। ये जब तक गर्म होता है तब तक हम कुकर को खोलकर देख लेंगे दाल ठीक तरह से पकी है या नहीं। अगर नहीं पकी है तो 1-2 सीटी और लगा देंगे, और पक गई है तो अच्छी बात है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा। अब इसमें हम डालेंगे करी पत्ते। करी पत्ते की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है दाल में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। और इसमें हम फिर प्याज डालकर भी भून सकते हैं, पर हमारे यहाँ तो प्याज नहीं डालते हैं क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगती है दोपहर में खाने का, तो इसलिए हम प्याज ऐड नहीं करते हैं। तो हम टमाटर डालकर फ्राई कर रहे हैं, आप जैसे चाहें इसे फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जो कि बहुत ही थोड़ा डालेंगे क्योंकि दाल में हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। अगर तेज़ डाल देते हैं तो ये बिल्कुल ही खारा हो जाएगा, तो बहुत ही हिसाब से बहुत ही थोड़ा नमक इसमें हम ऐड करेंगे। और इसे हम टमाटर को अच्छी तरह से फिर से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अब हल्की सी हल्दी डालेंगे और हम टमाटर को गलने तक का इंतज़ार करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला या जीरा का पाउडर आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसमें ये पूरी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी पकाई हुई दाल है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 या 2 उबाल आने तक हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। ये तरीका बहुत ही अच्छा है दोस्तों दाल बनाने का, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और अपना कमेंट्स हमें ज़रूर दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।